हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहिनी है और मैं लखनऊ से हूँ। और आज मैं जो भी अपने चैनल पे आपका वेलकम जिस तरह से करती थी उस तरह से नहीं करूँगी, क्योंकि आज ये बिल्कुल भी मेरे चैनल के लिए नहीं है या किसी भी लाइक पाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है। ये जेन्युइनली मेरा एक सपोर्ट है एक लेडी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उनको किस तरह से सपोर्ट करूँ या किस तरह से मैं अपने मन की बात उन तक पहुँचाऊँ या उनसे बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं आज जिनकी बात कर रही हूँ वो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, प्रियादीप के बारे में। तो प्रियादीप, आपने अगर उनके पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा प्रियादीप कहाँ से हैं, कहाँ से वो कहाँ तक पहुँची हैं। यार, एक लेडी ने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जब वो उस मुकाम पर पहुँच गई हैं उसके बाद आप लोग ऐसा कर रहे हो, मतलब क्या है यार ये क्या मतलब। अगर आपको उनके वीडियोस नहीं पसंद आते हैं या आपको उनकी कुछ उनकी वीडियोस उनकी एक्टिविटी अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप मत देखो ना, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, आप मत देखो, ये आपकी चॉइस है। बट ये हक आपको किसने दिया है कि आप कमेंट में जाके उनको उल्टा सीधा बोलो या कुछ भी जो आपके मन में आता है वो बोलते हो। और कई तो ऐसी महान हस्तियां हमारी ब्लॉगर्स हैं, कई ऐसी वो हैं कि जो इस टॉपिक को लेके वीडियो बना रही है। यार क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम लोग, नाम लेते हो आप प्रियादीप का, टाइटल में नाम रखते हो प्रियादीप का, और उसके बाद आप अपने घर का डेली रूटीन कर रहे हो, अपना व्लॉग प्रॉपर व्लॉग बना रहे हो, उसके बाद लास्ट में इतनी सी क्लिप आपने प्रियादीप के नाम की बोल दी। तो आप क्या करना चाहते हो, किसी को पता नहीं चलता है, सबको पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। आज सुबह ही मैंने एक लेडी का वीडियो देखा था कि जो ये बोल रही थी कि प्रियादीप जो है अपनी भाभी को सपोर्ट करती है, प्रियादीप ने ग्लैम विद प्राची को सपोर्ट किया, तो आज ग्लैम विद प्राची कहाँ पहुंच गई, क्या पहुंच गई। चलिए मैं मानती हूँ ग्लैम विद प्राची को उन्होंने किया, बट किया तो वो उनकी चॉइस है, आप कौन होते हो उनको बताने वाले, वो उनकी चॉइस है। अभी कोई फिल्म स्टार कोई ऐड कर देता है या कोई मंत्री अपने ही सारे रिश्तेदारों को कहीं जॉब में लगा देता है तो वहां तो आप नहीं बोलने जाते हो, आप जाते हो बोलने, आप बोलने जाते हो, वहां हिम्मत नहीं है आपकी बोलने की। बट हाँ, जिसको आपने देख लिया है कि इस टाइम पे वो बहुत सॉफ्ट टारगेट हो रखी है, उनको सब लोग टारगेट कर रहे हैं, तो उसी में आप भी मतलब गर्म लोहे पे आप भी चोट मार रहे हो। तो मतलब क्या चाहते हो यार, एक मेहनत करके एक लेडी इस मुकाम पर पहुंची है, आज नहीं तो कल नहीं तो हम भी जो नए क्रिएटर्स हैं हम लोग भी कभी ना कभी उस मुकाम पर पहुंचेंगे या मेहनत करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद उस जगह पहुंचने के बाद आज आपको अपनी मेहनत दिख रही है, ये मेहनत करने के बाद आप उस जगह पहुंचोगे और उसके बाद आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। थोड़ा सोचा करो, इंसानों की तरह भी सोचा करो। जिस तरह से आप कमेंट करते हो तो लगता तो नहीं है कि आप इंसान हो या इंसानों की तरह सोचते हो, ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। और प्रियादीप मैम को पता नहीं कौन डीएम की वाइफ या बता रही है मैं डीएम की वाइफ हूँ, तो क्या आप हो, तो क्या डीएम की वाइफ हो या कुछ भी हो आप, तो क्या है ऐसा धमकी आप किसी को दे सकते हो। अगर वो गई, उन्होंने चूड़ी बिंदी सिंदूर ले भी लिया या अपनी पर्सनल कोई चीज, वो पर्सनल चीज नहीं दिखाना चाह रही थी वीडियो में तो उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने चूड़ी बिंदी लिया तो उन्होंने वो दिखा दिया, चाहती तो वो भी छुपा लेती, आप कुछ कर लेते उनका। और अगर वहां की शॉप्स खुली हैं और अगर पुलिस वाले अलाउड कर रहे हैं तो आप कौन होते हो बोलने वाले, तो प्लीज उनका पीछा छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ो। हाँ, जहां तक उनकी भाभी की बात है, हाँ वो ठीक है, उनका नाम उनको मिला, प्रियादीप का नाम मिला तो वो इतनी फेमस हो गई या उनके व्यूज आने लगे या कुछ भी हो गया, पर अगर वो भी मेहनत करती तो आज नहीं तो कल वो भी बढ़ती है। आपने आप YouTube भरा पड़ा है ऐसी लेडीज से जो गांव से हैं, जिनको बोलना नहीं आता बट वो भी सक्सेस हैं YouTube में, कर रही हैं वो भी YouTube में काम, तो ऐसा नहीं है वो जल्दी बढ़ गई प्रियादीप का नाम लेके, नहीं तो वो कभी ना कभी वो भी बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती ही नहीं, वो भी बढ़ती, देर लगती पर बढ़ती। बट अगर घर का कोई इंसान है और आपको सपोर्ट कर रहा है, अपने घर के इंसान को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है। बुराई पता है क्या है, मैं बताती हूँ आपको बुराई क्या है। अगर वही प्रियादीप ने आपको सपोर्ट कर दिया होता तो आज आप इतना नहीं बोल रहे होते, आज आप उनके सपोर्ट में होते कि नहीं अगर कर दिया तो नहीं, पर आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका नाम नहीं आया तो आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आपका कुछ हो नहीं रहा है। और आपने एक वीडियो मैंने आज सुबह देखा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी नहीं तो वो जो चाहती है उनकी मनसा पूरी हो जाएगी, मैं नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने ये बोला
कि क्या कहते हैं, मैं तो मतलब हम जो हैं यूट्यूबर्स, जो बहुत न्यू यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटिव यूट्यूबर्स हैं, हम जो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, फिर थक जाते हैं, बच्चे भी हैं और शाम को एडिटिंग करते हैं, उसके बाद हमको टाइम नहीं मिलता है, इस तरह का आप अपने चैनल पे बता रही हैं, तो आपको कब टाइम मिलता है दूसरे के वीडियोस को पूरा देख के और उनकी कमियां निकाल के और उसमें कमेंट करके और फिर उसका पूरा वीडियो बना के, ये टाइम आपको कब मिल जाता है? इसके लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। ये टाइम आपको कब मिल जाता है कि आप दूसरे की वीडियोस देखते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं? अगर आप इतने बिजी हो तो आप ये सब छिछोरे काम नहीं करते, अगर आप इतने बिजी हो तो, कि दूसरे की वीडियोस देखें और उसमें कमेंट निकालें। हाँ, आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आप बात रख सकते हैं, जैसे कि इंडियन मोमेंट ड्यूटी है, उनका चैनल है, उन्होंने कोलैब एक वीडियो किया था, तो मैंने भी वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि आप ऑलरेडी जो पहले से फेमस हैं आप उनको चांस दे रहे हो, तो प्लीज़ आप नए यूट्यूबर्स को चांस दो। बट मैंने वहाँ जाके गंद नहीं फैलाई कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और हटिए वहाँ से, इतना गंद मत मचाइए किसी की जिंदगी में। कोई मेहनत से काम कर रहा है, कुछ आपने खैरात में आपने नहीं दिया है उनको, कोई मेहनत से काम कर रहा है तो उसको मेहनत से काम करने दीजिए, और अगर यही सब करना है ना तो कुछ और स्टार्ट कर लीजिए आप। यूट्यूब आपका नहीं है फिर, यूट्यूब आपका नहीं है कि आप बताओगे। अगर इतना वो होता ना तो यूट्यूब को है सेंस, क्या उसके रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से प्रियदीप चल रही है। अगर ऐसा रूल्स के खिलाफ होता कि आप अपने घर के किसी को प्रमोट नहीं कर सकते या किसी के बारे में नहीं बता सकते, तो YouTube पहले चैनल बैन कर देता, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। YouTube पहले ही चैनल बैन कर देता, तो वो सारे रूल्स के अंदर ही काम कर रही हैं, रूल्स के बाहर होता YouTube पहले चैनल बैन करता, तो आपको ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी ये फेक बना रहे हैं ना प्रियादीप का नाम लेके और फिर अपना डेली ब्लॉग दिखा रहे हैं, यार सुधर जाओ, सुधर जाओ। किसी का नाम लेके अपने व्यूज बढ़ा रहे हो, और मेरे को, मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ, मेरे को इस वीडियो पे बिल्कुल लाइक मत करिएगा, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रियादीप के लिए दिल से सपोर्ट कर रही हूँ और हमेशा करूँगी। ये वीडियो अगर कम पड़ेगा मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी प्रियादीप के लिए। पर प्रियादीप, आप सच में, आप इन लोगों की बिल्कुल बातें मत सुनिए, आप सच में एक बहुत ही अच्छी ग्रेट लेडी हैं जिसने इतने कम टाइम में इतना अच्छा मुकाम पा लिया है, और आपको देख के हम लोग सीखते हैं, हम नए यूट्यूबर्स हैं और सच में आप लोगों को देख के सीखते हैं। और जो ये हेटर्स हैं ना, जो आपको इतना बोल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको देख के कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे, बट इनसे बोला नहीं जाएगा, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी कि आपको और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो भी हैं, इंडियन मोमेंट ड्यूटी है, ये हैं, सब लोगों को देख के हम लोग सीखे हैं, तभी चैनल ओपन किया है। अपने से सपना नहीं आया है हमको कि हाँ चलो हम भी करते हैं। तो रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने सीनियर्स का, और अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो कम से कम अब शब्द तो आप बिल्कुल मत निकालिए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये कम पड़ा तो मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और प्रियादीप, दिल से आपके लिए बहुत 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 सारा प्यार है, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और प्रियादीप के लिए दिल से मेरा सपोर्ट है। बाय बाय।